हेलो गाय नमस्कार वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद तो मेरे प्यारे साथियों भर्ती का एक न्यू नोटिफिकेशन लेकर आज आपके समूह के बाद फिर से मैं प्रेजेंट हूँ अपने चैनल के माध्यम से मेरे प्यारे मित्रों दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए एस की ओर से एक बड़ा भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इसमें टोटल बॉयज़ के लिए जो पद हैं पाँच हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें जो तो टोटल पद हैं दो हैं मेरे प्यारे मित्रों इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको ट्वेल्थ पास होना अनिवार्य है साथ ही साथ आपको जरूरी अर्ताएं जो हैं वह इस वीडियो में देखने को मिलेगी पूरी जानकारी आपको चाहिए कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आवेदन करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसीजर एज लिमिट जो भी है यहीं पर इसी वीडियो में देखने को मिलेगी मेरे प्यारे मित्रों वीडियो आपको पूरा वॉच करना पड़ेगा वैकेंसी का पूरा विवरण यदि आपको पाना है तो बिना देरी के पहले आपको ले चलते हैं इसमें बॉयज के लिए कितने पद रखे गए हैं और किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं बॉयज़ पाँच पद हैं जिसमें जनरल बॉयज के दो पद ओ सी के एक सौ सैंतीस ईडब्ल्यूएस एस बॉयज के फिफ्टी सिक्स एस सी बॉयज़ सिक्सटी फाइव एस टी बॉयज़ सिक्सटी पद इसमें हैं फीमेल कंट्रूट के लिए दो सौ छिहत्तर पद हैं जिसमें जनरल फीमेल एक सौ उन्नीस पद ओ बी सी फीमेल सिक्सटी सेवन ओ बी ई 32 एस ट्वेंटी एट एस सी थर्टी टू और थर्टी है इसमें एस टी फीमेल कैटेगरी के लिए तो मेरे प्यारे मित्रों वैगेंसी का पूरा विरोध हम बता चुके हैं अब आपको ले चलते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की ओर एज क्राइटेरिया की ओर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर पूरे का पूरा कच्चा चिट्ठा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस भर्ती का चलिए फुल नोटिफिकेशन की ओर आपको ले चलते हैं प्यारे मित्रों आवेदन करने के लिए आपको असस्य की ऑप्शल वेबसाइट में आना पड़ेगा यदि आप लोग पहले से एस्य की वेबसाइल वेबसाइट में रजिस्टर्ड हो तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन होना पड़ेगा यदि नहीं हो या आपने पहले की आईडी पता नहीं है तो फॉरगेट करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन आई एंड पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन अशस्य की ऑप्शल वेबसाइट में प्रारंभ सत्रह मई दो से हो चुके हैं सोलह जून दो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है यदि आप लोग आवेदन कर देते हैं तो आपका सितंबर 2022 में यहां पे रिटर्न एग्जाम पहले होगा रिटर्न के बाद फिजिकल होगा फिजिकल के बाद आपकी टाइपिंग इसमें होती है चलिए आपको बताते हैं पहले इसमें आवेदन करने के लिए आपको क्या होना जरूरी है एंड एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन इसमें क्या है सबसे पहले आपको इंडियन होना जरूरी है और 18 से 25 वर्ष आपकी एज होनी अनिवार्य है आपकी जन्म तिथि 2 जनवरी उन्नीस से 1 जनवरी 2004 के मध्य होनी चाहिए इससे पहले अन बाद की आपकी एज नहीं होनी चाहिए यदि आप लोग एस कैटेगरी से एस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज में पाँच वर्ष का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया गया है ओ वालों को यहाँ पर तीन वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है तो हमारे जो वीडियो

टाइपिंग भी आनी जरूरी है तो क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है साथ ही पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा रिटर्न एग्जाम के बाद आपका फ़िजिकल होगा फिजिकल के बाद आपकी टाइपिंग होगी फॉर्म भरने वक्त आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप लोग सिलेक्शन में टाइपिंग किस में करोगे हिंदी में करोगे इंग्लिश में करोगे यदि आप लोग हिंदी में वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ट्वेंटी फाइव वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी आनी चाहिए एक मिनट में आपको ट्वेंटी फाइव शब्द लिखने की आदत होनी चाहिए हिंदी यदि आप लोग करते हो तो इंग्लिश यदि आप करते हो तो थर्टी वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड इसमें मांगी गई है अब आपको ले चलते हैं फिजिकल की ओर तो आखिरकार हमारा रिटर्न निकल जाएगा और टाइपिंग निकल जाएगी तो उसके बाद फिजिकल में क्या क्या होगा तो मेरे प्यार मित्रों फिजिकल को आपको बता दूं फिजिकल में यहाँ पे क्या क्या होना है आपको तो हमारे मेल कैंडिडेट हैं उनका फिजिकल किस तरह से होना है क्वालिफाइंग नेचर का है सात सौ 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 मीटर की दौड़ है सात मिनट में कंप्लीट आपको करनी है लॉन्ग जंप साढ़े बारह फिट है और हाई जंप यहाँ पे साढ़े तीन फिट है और जो हमारे हाई जो आ, ए, एज वाले हैं यानी थर्टी फोर्टी वालों के लिए इसमें थोड़ा बहुत छूट दी गई है फीमेल कैंडिडेटों के लिए जो यहाँ पे रनिंग है पाँच मिनट में आठ सौ मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है नौ फीट लॉन्ग जंप मारना है और तीन फीट हाई जंप भी यहाँ पे मारना है और चेस्ट जो है बॉयज़ के लिए सेवेंटी एट टू एट्टी टू सेंटीमीटर होनी चाहिए चार सेंटीमीटर और पाँच सेंटीमीटर का फुला यहाँ पे अनिवार्य मांगा गया है आपको हिल एरियाज़ वाले हैं तो उनको पाँच सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट भी चेस्ट में दी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है एक सौ सेंटीमीटर और यदि आपको हिल एरिया से गरव गरवालीज कुमाई गोरखाज हो तो आपको यहाँ पर पाँच वर्ष की छूट दी गई है एस सी वालों को भी यहाँ पे पाँच वर्ष की छूट दी गई है तो आई होप मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको असस् की ऑफिसर वेबसाइट में आना पड़ेगा मित्रों और टेस्ट का सिलेबस एंड एग्जाम सेंटर आप लोग रीजन वाइज इसमें देख सकते हैं रीजन वाइज यहाँ पे सब कुछ दिया गया है और रही बात इसके सिलेबस की सिलेबस भी आपको इस नोटिफिकेशन में मिलेगा और साथ ही यदि आपके पास एन सी सी एन सी सी ए बी सी कोई भी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे अलग अलग तरह की छूट आपको टेस्ट में मिलेगी एन सी 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 वालों को पाँच परसेंट एन सी सी बी वालों को तीन परसेंट एन सी सी ए वालों को यहाँ पे टू परसेंट की छूट अंकों में मेरिट में मिलेगी बात करें मेरे प्यारे मित्रों इसमें टेस्ट के पैटर्न की टेस्ट जो होगा आपका मेरे प्यारे मित्रों वही बैंक जो एस एस सी की ओर से आयोजित किया जाता है उसी के आधार पर होगा आपको मैं दिखा देता हूं एक बार थोड़ा सा तो कुछ इस तरह से आपका एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश में दोनों का पेपर होगा ऑनलाइन बेस भी या एग्जाम होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस बीस अंक की होगी क्वांटिटिव एब्लिट्यूड मैथ्स आपकी बीस अंक की होगी जनरल इंटेलिजेंस पच्चीस अंक की इंग्लिश ग्रामर आपकी ट्वेंटी फाइव की और कंप्यूटर फंडामेंटल दस अंक का नब्बे मिनट का पेपर होगा सॉन्क्स में एम सी क्यू बेस पर आपके प्रश्न होंगे यदि आपका हो जाता है इसमें इसके बाद आपको फिजिकल फिट टाइपिंग आपको इस तरह से देनी है आई होप आपको पूरी जानकारी मेरे प्यारे मित्रों तो दे दी है मैंने इस वीडियो के आपको पूरी जानकारी वाला जो पी वो प्राप्त करना है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से दी गई लिंक से इस पी को डाउनलोड कर सकते हैं तो थैंक यू वेरी मच अपने यार दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत बोले था गॉड ब्लेस यू ऑल